हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरा स्टार्ट हो रहा है क्लीनिंग का डे, मतलब कि ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह में देख सकते हो मेरा रूम कितना बिखरा पड़ा है। तो सुबह सुबह रोज़ मैं अपने रूम को साफ़ सुथरा करती हूँ। सुबह उठ के पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद ही ये सब काम करती हूँ, क्योंकि बाबू को जल्दी से नाश्ता खिलाना होता है। तो इसीलिए नाश्ता बनाने के बाद 8 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाता है, उसके बाद मैं ये सब काम करती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी धोने थे और बर्तन वगैरह भी धोने थे और बहुत सारा काम था। तो आज 10 बज गया था मुझे काम करते करते। तो 10 बजे मैं आई अपना रूम सब साफ़ सुथरा करने, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी मैंने बनाए थे, तो वो सब करते करते 10 बज गए। नाश्ते भी बन गए थे और खाना भी बन गया था मेरा आज, तो इसीलिए आज लेट, नहीं तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ। तो सारा सामान मैं उतार के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। थोड़ा बहुत ऐसे तो पूरा नहीं बिखरता, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेड और कपड़े बिखर जाते हैं, और बाबू ये सब सामान इधर से उधर कर देता है, तो इसीलिए ये सब करना पड़ता है। तो अभी मैं सारा डस्टिंग भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लूँगी। इस पर तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है, रोज़ इसको साफ़ मतलब कि 3-4 बार दिन में कर ही लेती हूँ साफ़, हमेशा करते रहती हूँ। ढेर सारा सामान है तो इसको रोज़ उतार के नहीं साफ़ कर पाती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना रूम को बस थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करते रहती हूँ। और छोटा बच्चा है तो वो सारा सामान इधर से उधर फैलाते रहता है, तो इसीलिए, और ये पंखे वगैरह भी सब तार सब जो है, ये सारे तार को मैं समेट के अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि दिन में उतना पंखा का काम नहीं होता है, ऊपर वाला पंखा से ही काम चल जाता है। और बेड पे रात को बोर्ड लेके सोते हैं हम लोग, ताकि फ़ोन वगैरह चार्ज कर सके और छोटा वाला पंखा चला सके, तो इसलिए उसको भी समेट के मैं रख देती हूँ। और वैसे वीडियोज़ बनाने के लिए भी मुझे कभी कभी काम आ जाती है, तो इसीलिए। तो अभी तो मेरा रिंग लाइट ख़राब हो चुका है, रिंग लाइट ठीक कर दिया था हस्बैंड ने, फिर से ख़राब हो गया, पता नहीं तो अब दूसरा कब ले पाऊँगी, पता नहीं। देख सकते हो सारे बेड पे कपड़े फैला के रख देते हैं दोनों बाप बेटे मिलके। तो मैं ये सारे कपड़े भी समेट लूँगी और बेड सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि पता नहीं मेरे रूम में अगर मेरा बेड साफ़ नहीं रहता ना, तो मुझे कुछ भी रूम में अच्छा नहीं लगता है। तो बेड साफ़ कर लेती हूँ, और कुछ करूँ या ना करूँ लेकिन बेड तो साफ़ करना ही पड़ता है सुबह उठ के ही। लेकिन सुबह उठती हूँ जब तो बाबू सोया हुआ रहता है, तो उस टाइम नहीं कर पाती हूँ। तो जब तक मैं नाश्ता बनाने चले जाती हूँ, तो बाबू जब उठता है फिर उसको फ्रेश करना, ब्रश कराना, उसको हॉर्लिक्स पिलाना, उसको ही मतलब कुछ कुछ काम उसी का करना होता है, तो बेड उस टाइम नहीं साफ़ कर पाती हूँ। तो जब हस्बैंड भी चले जाते हैं स्कूल और बाबू को भी खिला पिला देती हूँ, उसके बाद मैं ये सारा काम करती हूँ आराम से फ्री होके। ये सारे काम करके जो बहुत थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं वो सब धुल के मैं नहा लेती हूँ, और उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। तो ये सारे काम मैं कर लूँगी। और आज तो मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई थी, 10 बज गया था, तो वीडियोस बनाते बनाते और सारे काम करते करते मुझे इतनी भूख लग गई थी कि मैं बिना नहाए आज खा ली थी मैंने, और बिना नहाए भी मैं आज वीडियोस बनाई कुछ, और उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो नहाने के लिए भी जा रही थी तो वर्षा इतना होने लगा था, और कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, इतना बारिश हो रही थी, तो इसीलिए मैं सारा काम, बाहर का कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन लास्ट में मुझे बारिश में भींग के करना पड़ा सारा काम। तो आप लोगों को वो मेरे व्लॉग में दिख जाएगा। तो ये देखिए अलमारी भी कितना मैसी है, और इनका कपड़ा सारा मैंने जो धोला था उसको आयरन नहीं किया था, तो आज मैं सारे कपड़े आयरन करूँगी। और लेके जब मैं बैठी कपड़े आयरन करने के लिए, तो इनके करीब 12-13 शर्ट थे, करीब 12-13 से भी ज़्यादा थे शर्ट, और 2-3 शर्ट मेरे देवर जी के थे और 2-3 सूट थे मेरे। तो वो सब मैं आयरन करने के लिए बैठी थी, और पूरा मुझे 2 घंटे लगे आयरन करने में। इनको मेरा कपड़ा आयरन किया हुआ पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं आज थोड़ा अच्छे से कर रही थी कि अच्छे से आयरन कर देती हूँ, फिर अच्छा पसंद नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा करके। तो ये देखिए मेरे कपड़े सारे आयरन हो चुके थे, और शर्ट मैंने देवर जी के रूम में रख दिए थे उनके वाले, और इनका सेट मैं इस तरह से हैंगर में लटका के रख देती हूँ, ताकि फिर से कपड़े जल्दी ख़राब ना हो, और इनको जो भी पहनना हो जल्दी से लेके ये स्कूल चले जाए पहन के। ऐसे ये डेली रोज़ सुबह कर लेते हैं आयरन। मुझे आयरन करना एकदम पसंद नहीं है, लेकिन फिर मजबूरी में करना पड़ता है, कभी कभी कर देती हूँ कभी कभी, और ये बाकी अपने करते रहते हैं।
और मेरे कुछ सूट वगैरह भी थे जो कि मुझे आयरन करने थे, वो भी मैंने कर लिए। सारे कपड़े मैं इस तरह से अलमारी में ऐसे लटका के रख देती हूँ और इनको जो भी ज़रूरी होता है ये निकाल के पहन लेते हैं बस। तो अभी मैं अपने सूट्स भी रख दूँगी अपने अपने वाले इधर जिधर साइड में मैं रखती हूँ। तो मेरा अलमारी बहुत छोटा पड़ रहा है कपड़े रखने के लिए, इसमें सारे कपड़े नहीं आते, तो जैसे तैसे मैं रख देती हूँ। तो सोच रही थी कि एक अलमारी ख़रीदने का, लेकिन अभी बजट नहीं बन रहा है कुछ लेने के लिए, तो इसीलिए अभी नहीं ले सकती हूँ। लेकिन लूँगी ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं, मेरे कपड़े तो सारे आ भी जाते हैं लेकिन बाबू के और इनके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो बस रूम में अब साफ़ सुथरा तो हो गया था, झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी रूम में। और रूम में दिन भर बाबू इधर से उधर कुछ से कुछ सामान फेंकते रहता है, कुछ से खा पी के इधर से उधर फेंकते रहता है, तो बहुत सारा कचरा रहता है, हमेशा दिन भर दो तीन बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो बस मैं अब पोछा लगा लूँगी रूम में, तो मैं आज डंडा से ही पोछा लगा रही हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा पसंद आता है हाथ से पोछा लगाना, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। लेकिन अब बहुत थक गई थी तो सोचा कि खड़े खड़े जल्दी से पोछा लगा लो, फिर बैठ के ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर पलंग के अंदर भी हाथ नहीं जाता, तो पलंग के अंदर भी साफ़ सुथरा करना होता है, तो इसीलिए बस। तो वैसे मुझे अच्छा वाला डंडा लेना होगा ताकि वो अच्छे से साफ़ सुथरा से अच्छे से पोछा लग जाए, पर देखते हैं अभी इसी से तो काम चल रहा है, तो इसी से काम चला लेती हूँ मैं। और उसके बाद अपने रूम में पोछा लगाने के बाद मैं बाहर में मेरे बरामदे पे जो थे वहाँ भी मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी और यहाँ पर भी पोछे लगा लूँगी। और आज वो सब रूम मैंने ठीक कर लिया था, बस पोछा नहीं लगाना था वो सब रूम में। सारे रूम में मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि 5-6 रूम है तो फिर डेली पोछा नहीं लगा पाती उतना, बहुत सारे काम भी होते हैं, फिर इतने सारे काम के बीच में पढ़ाई भी करनी है। तो आज तो मैं एकदम से एक ज़रा भी नहीं पढ़ पाई, एग्ज़ाम है सामने लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। पता नहीं, सारे काम करने के बाद 2 घंटे मुझे टाइम मिलते भी है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में सोने की आदत है। जब तक 2 घंटे मैं नहीं सोऊंगी तब तक मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा आलस लगेगा और बहुत ज़्यादा मुझे थकावट महसूस होते रहती है और रात को बहुत जल्दी नींद आने लगती है, इसीलिए मैं 2 घंटे सो जाती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील कर सकूँ। सो के उठती हूँ तब फिर शाम का काम करती हूँ। तो ये सब मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा भी मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो सामने वाला मेरा बरांडा है उसको भी मैं, गली है तो गली को भी मैं झाड़ लूँगी अच्छे से। और इधर घास देखिए, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा बकरी रखे हैं, उसको हम लोग पालते हैं ताकि कुछ सामान खाने का बच जाता है तो फिर फेंकना पड़ता है, तो कुछ रोटी अगर बच जाए सब्जी बच जाए तो वो खा ले, इसीलिए उसको रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत घास मम्मी ला के देती रहती है उसको, तो वो घर में ही रहता है हमेशा, तो इसीलिए उसको घर में ही रहता है तो वो घर में ही खाता है घास, तो साफ़ सुथरा करते रहती हूँ मैं। और मम्मी भी हमेशा उसके पीछे लगे रहती है साफ़ सुथरा करने में, उसको खाना खिलाने में, तो उसको भी मैं कभी दिखाऊंगी अपने वीडियोस में। तो ये मैं झाड़ू लगा लूँगी यहाँ पे। उसके बाद अब मैं सामने वाले जो मेरे रूम के सामने बरांडा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक चौकी लगी हुई है जिसमें इतना सारा सामान है, बहुत सारा। और ये जो आप लोग बक्सा देख रहे हो ये पानीपुरी का बक्सा है, पानीपुरी वाले हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं तो उनका बक्सा है, तो वो इसी तरह से रख के चले गए हैं बाहर में, तो यहाँ पे मैंने ला के रख दिया है। और कपड़े सारे मैं आज तो धो ही नहीं पाऊँगी, धोने के लिए कपड़े निकाली थी लेकिन नहीं धो पाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कपड़े सुखाने का भी यहाँ पे मतलब कि नहीं है, और ये सूखेंगे भी नहीं, मोटे मोटे कपड़े हैं तो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं थे, बहुत सारे कपड़े थे एक्स्ट्रा में धोए हुए, तो अभी रख दूँगी उसको, मैं कल धोऊँगी होगा। तो ये बक्से देख सकते हो, इतना ज़्यादा वजन था कि इसको मैं उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठा, तो इसको मैं साइड करके चौकी पे ही लगा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था और कोई था भी नहीं जिसको मैं बोलूँ कि थोड़ा सा हेल्प करे उठाने के लिए, तो मैं इसी को साइड करके बस इसके ऊपर सारे सामान रख दूँगी। और इसको मैं करूँगी 1-2 दिन बाद अच्छे से साफ़ सुथरा, जब वहाँ से पटना से वापस आ जाऊँगी उसके बाद ये सब काम करूँगी मैं। तो ये सारे मैं इसी तरह से करके बस रख दूँगी, थोड़ा सा साफ़ लगे। और यहाँ पे हम लोग कभी कभी बैठ के खाना भी खा लेते हैं, तो अब मैं चली किचन की ओर, नाश्ता बना के खाना बना के, किचन ऐसे बिखरा पड़ा था
साफ़ नहीं कर पाई थी मैं किचन उस टाइम, तो अभी आ गई साफ़ करने के लिए। तो सारे बर्तन मैं निकाल लूँगी जो मुझे धोने होंगे, क्योंकि रोटी बनाई तो चकला बेलना, तवा और सब्जी भी बन गया था खाने के लिए भी, तो सब्जी भी मैं पलट लूँगी एक कटोरी में और सब्जी वाला बर्तन भी धो लूँगी ताकि शाम को मुझे थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अभी मैं सारे बर्तन धोने के लिए जाऊँगी, वर्षा भी बहुत हो रही थी तो सोची कि नहाऊंगी उस टाइम ही बर्तन धो लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैं अब रेक सब साफ़ करने चले आई। कल ही मैं किचन साफ़ की थी और देखिए मेरी किचन की हालत, बस बोला ना कि सारे डब्बे वगैरह सब चीज़ तो साफ़ रहते हैं, बस हमारे जो ये है रेक है वो गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इसको साफ़ सुथरा करते रहना पड़ता है। और ये पूरा कलर भी चला गया है इसका, तो मैं 2-3 महीने पे इस पर पेंट करते रहती हूँ रेड कलर का, लेकिन पता नहीं इस बार सोच रही हूँ कि जो स्टिकर मैंने दीवार में चिपकाया है वही वाला चिपका दूँ इस पर। तो अगर किसी को पता है कि ये अच्छा होता है या नहीं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि पेंट करना अच्छा होगा या फिर ये चिपकाना अच्छा होगा, क्योंकि मम्मी के यहाँ मैं तो चिपका के आई हूँ, पता नहीं कैसा है वहाँ पर, अभी मैंने पूछा नहीं है मम्मी से। तो देखते हैं क्या होता है, दिवाली में कुछ करेंगे किचन का। तो अभी तो मैं बस गैस वैस पोंछ लूँगी और खाना पीना तो बन चुका है, अब सीधे शाम को चाय बनेगी। तो फिर रात को फिर खाना बना के रात को मैं किचन इसी तरह से साफ़ करके रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह ये सारा काम नहीं करना पड़े। तो ये देखिए बाबू मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, बाबू को मतलब कि कुछ बोलते नहीं रहा था, बस मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। मैं काम कर रही थी और वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, मम्मी ये काम कर रही हो, मम्मी ये काम कर रही हो, बहुत मतलब कि वो। और उसको ज़्यादातर मैं अपने साथ ही रखती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि बच्चे उठा के ले जाते हैं ये वगैरह, तो मैं उसको ज़्यादातर अपने साथ ही रखती हूँ, उसको घर से एकदम बाहर नहीं निकलने देती मैं, दिन भर अपने साथ घर में ही रखती हूँ उसको। या तो मम्मी उसके पीछे पड़े रहती है या मैं उसके पीछे पड़े रहती हूँ, दिन भर उसको देखते रहती हूँ। तो किचन में झाड़ू लग गया, अब मैं पोछा भी लगा लूँगी। वैसे मैं दिन में तो पोछा नहीं लगाती हूँ, सीधे सिर्फ रात को ही लगाती हूँ, डेली खाना बना के रात को डेली पोछा लगा लेती हूँ। पर अभी सोच रही थी कि किचन साफ़ किया है तो बस पोछा लगा ही लेती हूँ किचन में, खाना पीना बन चुका था तो फिर रात को भी तो लगाना है ही, तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से मैं पोछा लगा लूँगी। तो किचन में पोछा लगाते लगाते मैं कुछ सोच रही थी कि आज मैं क्या करूँगी, मतलब कि अभी नहाना है लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि कैसे नहाऊँ बारिश में, क्योंकि मैं कल ही बाल धो के नहाई थी तो मुझे आज बाल धोने का मन नहीं कर रहा था भिंगाने का, लेकिन फिर बर्तन वगैरह धोने के थे तो मैं चली गई नहाने के लिए। ये दूसरे वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये देखिए मेरा रूम कितना चमक रहा है, मैंने पूरा साफ़ कर दिया रूम को अच्छे से और बेड भी अच्छे से साफ़ कर दिया। बेडशीट भी धोना था मुझे पर आज नहीं धो पाई बारिश के कारण, तो कल धोऊंगी बेडशीट। और मेरा पूरा रूम देख सकते किस तरह से चमक रहा है, और फिर कल इसकी हालत वैसी की वैसी हो जाएगी, फिर कल मुझे इसी तरह से सारे ठीक करने पड़ेंगे। तो अब मैं किचन दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए किचन भी मेरा कितना अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है, सारा प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ़ कर दिया है और डब्बे वगैरह तो मैंने कल ही साफ़ किए थे, बस डेली थोड़ा बहुत पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन यहाँ पे नीचे पे रखती हूँ ताकि लेने में बने, और यहाँ पे डब्बे वगैरह तो आप लोगों ने कल देखा ही था, मैंने सारा कल ही किया था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। और ये देखिए ख़राब हो चुका है तो इसको भी ठीक करना है इस बार दिवाली में। तो बाय।